नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ओबीसी महासभा लंबित राष्ट्रीय जनगणना एवं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर रैली निकाल कर दिया गया ज्ञापन। एक बार फिर ओबीसी महासभा राष्ट्रीय जनगणना एवं लंबित ओबीसी आरक्षण को लेकर सड़क में उतरे हैं। ओबीसी महासभा ने किया आंदोलन का शंखनाद। ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 के फॉर्मेट में ओबीसी के लिए कोड नंबर 13 में पृथक से कोड नंबर निर्धारण कर जनगणना किए जाने एवं छत्तीसगढ़ में लंबित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मशाल रैली निकाल कर ज्ञापन दिए। आपको बता दें, बालोद जिला में रैली निकाल कर ज्ञापन दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम ने बताया कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है, किंतु राष्ट्रीय जनगणना फॉर्म में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती है। उन्होंने आगे बताया कि संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोगों काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग एवं मध्य प्रदेश रामजी महाजन आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराए जाने बाबत अनुशंसा की गई है। संसद में बनी सहमति के आधार पर राष्ट्रीय जनगणना 2011 में पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया, किंतु आंकड़े आज पर्यंत जारी नहीं किया गया है। आगे कहा कि लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फॉर्मेट के कॉलम नंबर 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर 3 और सामान्य वर्ग के लिए कोड नंबर 4 शामिल कर जनगणना अभिलंब की जाए एवं जनगणना उपरांत आंकड़े प्रकाशित किया जाए, जिससे ओबीसी समाज भारत देश के मतदाता होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सके। आगे अध्यक्ष साहू ने बताया, विगत 30 वर्षों से लंबित ओबीसी आरक्षण 27% छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र लागू किया जाए। संविधान लागू होने के 43 साल बाद 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं में दिया गया। साथ ही राज्यों की स्थिति के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, किंतु ओबीसी समुदाय को अविभाजित मध्य प्रदेश में मात्र 14% आरक्षण शिक्षा एवं रोजगार में दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आज पर्यंत यथावत है। बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर हिस्सेदारी आरक्षण प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश में ओबीसी समुदाय के समुचित विकास एवं उत्थान में अपरिमित नुकसान हो रही है। पिछली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू नहीं हो पाया। अतः महामहिम राज्यपाल का हस्ताक्षर उक्त विधेयक में अभिलंब हो। उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ आए दिन मारपीट, प्रताड़ना, हत्या, शोषण एवं भेदभाव आदि वारदात हो रही हैं। ओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित कर न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा हाल ही में कवर्धा जिला के लोहारीडीही में प्रशांत कुमार साहू का पुलिस विरासत में दर्दनाक मौत, जघन्य हत्या हुई है। मृतक प्रशांत कुमार साहू के परिवार एवं अन्य मृतक परिवार के एक एक सदस्य को शासकीय सेवा एवं 2-2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है। सभा प्रदेश कई छत्तीसगढ़ के आह्वान में आज हम छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं। उस तारतम्य में आज बालोद जिला में हम 27 सितंबर को मशाल रैली निकाल करके ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल के नाम से 3 बिंदुओं पर ज्ञापन दिए हैं। पहला, हमारा राष्ट्रीय जनगणना जो हमारी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। अतः हम चाहते हैं कि 2021 का जो लंबी जनगणना है उसमें ओबीसी का कलम पृथक से बना करके कोड नंबर निर्धारित करके हमारी जनगणना करवाएं और जनगणना के हिसाब से हमें
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सारे उपक्रमों में हमको हिस्सेदारी चाहिए बराबर का। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अब पिछली सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, बिल पास किया था, उसमें महामहिम राज्यपाल का हस्ताक्षर आज पर्यंत नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय का अतिशीघ्र हस्ताक्षर हो ताकि ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण का लाभ मिल सके। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आज का, वो है छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों में, विभिन्न जिलों में आए दिन ओबीसी समुदाय के साथ हत्या, अनाचार, शोषण और भेदभाव आदि आदि तरह तरह की अत्याचार हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित करे सरकार। और वर्तमान में जो कवर्धा में जिले में जो हत्याकांड हुई है प्रशांत कुमार का, उसके परिवार को एक सदस्य को शासकीय सेवा में दिया जाए और उनके परिवार को 2-2 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करें। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, ये मांग हमारी शीघ्र पूरी करें। थैंक यू। शाहू ओबीसी वार्ड नंबर 14 की पार्षद भी हूँ मैं और शहर अध्यक्ष भी हूँ मैं ओबीसी महासभा की। आज की हमारी 27% आरक्षण के लिए है। हमारी मांग है कि हमको 27% आरक्षण दिया जाए, जो सुविधा अन्य को दिया जाता है वही सुविधा हमारे बच्चों के लिए भी दिया जाए। स्टेशनों को जैसे छात्रावास की उनकी सुविधा है, हमारे बच्चे के पास नहीं है, उनको कम परसेंट में ही उनके बच्चों को सर्विस दी जाती है, हमारे बच्चों को नहीं है। तो हम अपने हक की लड़ाई के लिए यह हम मशाल रैली के रूप में निकाल रहे हैं। आज कलेक्टर महोदय को मशाल रैली के रूप में निकाल रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम मोर नाम छवि सारवा है, मैं ओबीसी के सदस्य हूँ, ओबीसी छवि सारवा। तब आज हमन हाँ प्रदेश पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभो जिला में ज्ञापन कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन दे बर आए हैं। हमन ओबीसी के जनसंख्या ज़्यादा है, वो हिसाब से हमन ला 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा बात, हमार राज्यपाल महोदय के पास विगत दिन से हस्ताक्षर के लिए रुके हुए हैं, वो जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। और हमार प्रदेश में ओबीसी वर्ग ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते है, हत्या होते है। अभी वर्तमान में प्रशांत साहू जी के पुलिस कस्टडी में हत्या हो चुके हैं, तो वो सब के पर हम पर एक अलग से न्याय वो बनना चाहिए। तेकर से हम खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।